कैसे हो आप सभी। और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी, तो मैं कहीं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मम्मी जा रही हैं हमारी। मम्मी कहाँ जा रही हैं? नीम सागर है ना? नीम सार जा रही हैं मम्मी। तो जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे, मुझे कन्फर्म नहीं पता क्योंकि मम्मी ने जो बताया वही बता रही हूँ। नहीं तो कुछ लोग पता है कमेंट कैसे करते हैं कि सैनिटाइज़र बोल रही हो आप, उसको सैनिटाइज़र बोलना था। और मम्मी की क्या आदत पड़ गई, मम्मी कहेंगे सैनिटाइज़र तो वही सैनिटाइज़र। तो मम्मी की भाषा में बता रही हूँ आपको कि मम्मी नीम सार जा रही हैं। और तो बस मम्मी के लिए हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि मम्मी वहाँ पर जाएंगी, तो मम्मी के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आना पड़ेगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये हो रहे हैं रेडी। तो हम लोग वहीं के लिए जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो इस बार हम लोग बाड़े नहीं जा रहे हैं ना, हजीरा जा रहे हैं, हजीरा मार्केट। और इन्होंने वही वाले कपड़े पहन लिए। इधर देखो, हेलो तो कर दो। इधर वीडियो में तो आ ही नहीं रहे हो गाइस। इनके पास क्या और कपड़े नहीं है, यही कपड़े हैं। ठीक है, डेली के डेली वेयर में ठीक है, क्योंकि मैं ना इनके कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, है ना? ठीक है, बिना प्रेस का ही है। बिना प्रेस का पहन के जा रहे हैं ना, मुंह फुला के जा रहे हैं। तो बस मैं निकल रही हूँ मार्केट और फिर मैं मम्मी के लिए सामान ले आऊँ, और मम्मी की थोड़ी सी तैयारी करनी है जाने की। तो चलो गाइस फिर चलते हैं मार्केट और मैं आपसे फिर मिलूंगी। मेरा पर्स उठाना जरा, ये वाला। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं मेला से क्या लेकर आई हूँ, तो मैंने सामान तो दिखाया नहीं था। बच्चों के खिलौने वगैरह लेकर आई थी मैं, और ये वाला मैं अपने लिए पर्स लेकर आई थी। तो बस मैं इसी को मार्केट ले चल रही हूँ। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा वाला पर्स। तो बस मैं इसको लेकर आई थी मेले से, और मैं मेरे से ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी। बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे, और क्या मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा काफ़ी टाइम जो था ना वो झूले के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं कुछ भी सामान जो है लेकर नहीं आई थी। तो गैस आप लोगों को बहुत पसंद आई मेरी बर्फ़ी की रेसिपी, थैंक यू सो मच उसके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी आपसे बात करते करते, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलती हूँ मार्केट के लिए, फिर मैं आपसे घर आकर बात करूँगी। तो मैंने कुछ ये वाला सूट पहना है, और ये वाला सूट है ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार मुझे टोक चुके हैं और मैंने मना कर दिया कि अब मुझे टोकना मत बार बार। तो बस चल रही हूँ मैं मार्केट, फिर मिलूँगी आपसे, वहाँ मिलूँगी या घर मिलूँगी ये मुझे नहीं पता। तो बाय बाय, आगे मिलती हूँ। मतलब मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाय बोल रही हूँ, ब्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। चलो चलते हैं। मेरी चप्पल कहाँ है? वार रखी है डेली वियर वाली। मैं अभी आ जाऊंगी ना, यही आ रही हूँ। हेलो बोल दो। हेलो मम्मा, मेरे क्लिप के लिए आना। हाँ। मेरे पास क्लिप भी नहीं है। नहीं है, लेके आना। बहुत सारी ले आना। और साथ में लेना। और इनके साथ जा रही हूँ। साथ में लेना, साथ में तेल वाले नीचे और क्या फोन मेरे लिए मेकअप और लाना। आप मेरे आप के साथ में चाहिए। कितनी देर में? चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे वहीं। लेट गए तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सामान लेने चले गए थे। केला। सामान दिखा दूं मैं आप सभी को, क्योंकि मुझे बाद में याद नहीं रहेगा कि मैं क्या लेके आई हूँ। दिखा दूं, इसमें चूड़ियाँ हैं, इसमें चूड़ियाँ हैं। हटो बेटा, चूड़ियाँ हटना। और मम्मी के लिए छोटे छोटे सामान लेके आई हूँ सफ़र के लिए, छोटा मंजन, छोटा तेल, इसमें क्या है, इसमें मम्मी का ही सामान है, छोटा छोटा चैन नहीं है इसमें। और ये मंगवाया था मम्मी ने, ये कटोरी पीतल की, और ये एक लोटा। वहाँ पर मम्मी है ना, दान करेंगी किसी को। और मंगवाए थे मम्मी ने खाने में ये
हींग चने आधा किलो ये लेकर आई हूँ, आधा किलो मम्मी। और ये लेकर आई हूँ मैं पान। और दिखाना बेटा वो सामान देना, ठीक है मम्मी। पान के खाने के लिए, खाने के लिए अपने लिए अपन दोनों खाएंगे। अरे हम दोनों भी खाएंगे। ये लेकर आई हूँ मैं मम्मी के लिए मूंग दाल, और घर के लिए जैसे कि पपड़ी। बेकरी से लेके आए हम, ये बिल्कुल फ्रेश आती है, ये बिल्कुल फ्रेश बहुत सारी है। और इसमें ब्रेड का पैकेट भी है खाने के, चुटर मुटर सामान है ये लेकर आई हूँ। और अपने लिए वेज मंचूरियन लेके आई हूँ, और वो भी तो है दिखाना, काना का सामान। काना के लिए भाई केले लेके आई हूँ, और संतरे। हाँ और संतरे, हम तो लेना आई हूँ फ्रेश संतरे। मम्मी ने ये चैन मंगाई थी तो मम्मी के लिए चैन लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ पेपर सॉप, और मम्मी के लिए दीपक मंगाए थे मम्मी ने, दीपक भी लेके आया। और ये एक छोटा सा ताला मंगाया था मम्मी ने बैग में लगाने के लिए। अरे ताला बैग में लगा, 30 रुपए का दिया है छोटा सा। मुझे कह रही है छोटा ताला, छोटा ताला। तो बस यही सामान है और कुछ नहीं है ना। और सब्जी लेकर आए थोड़ी थोड़ी, और कुछ है उस माले में, और कुछ नहीं है ताला में। सब्जी लेकर आए, अच्छा चाय का है, उसका पीतल का है, कि पीतल का पानी भरा है, पेंट भरा रहता है जी पीतल का, लोहे का, अरे लोहे का रहता है जी पीतल का, देखो पेंट भरा है, देखो मोटा पेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस बस यही सामान लेकर आई हूँ, और हम लोग कुछ खाकर आए हैं, तो वो मैं भी बता नहीं सकती आपको, क्योंकि ये बैठा है, ये बैठी है देवी जी। तो अपन क्या खा के आए वैसे बताना, नहीं खाना आपको बताओ, तुम्हारे लिए केले लेके आए ना, तो आप लोग पहले बताओ क्या खाया था हमने। कुछ नहीं खाया ना, कुछ नहीं खाया। मैं जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा घूमने का टाइम हो गया, और आज मुझे खाना बनाना नहीं है क्योंकि खा के आए थे और वेज मंचूरियन लेके आए थे, इतनी भूख भी नहीं है। हम लोग है ना आज लंबे लंबे घूमने जाने वाले हैं, तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि ये सूट मुझे थोड़ा सा चुभता है, मैं इसको पहनती नहीं हूँ, तो मैं इसे किसी को देने की फ्राक में हूँ कि मैं इसको किसी को दे दूँगी। और चलो फिर चलते हैं, थोड़ा सा घूमे आते हैं। और मैंने खाया है अभी, पता है आप लोग सोचो कि मैं कुछ खाती हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ, मैंने अभी है ना पान खाया है और सुपारी डाल दी है मुँह में, थोड़ा सा मन कर रहा था चबाने का। तो थोड़ा सा अंधेरा भी है यहाँ पर, थोड़ा सा अंधेरा है, और सामने ही मंदिर है। तो बस चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूम आते हैं गाइस। और गाइस बहुत देर हो गई है, मैं घूमने गई थी उसके बाद आई हूँ मैं करीब 2-2.5 घंटे बाद, और हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग चले गए थे घूमने के लिए। और आप लोग देख सकते हो मेरी पूरी किचन में ऐसी पड़ी हुई है, पूरी सारी देखो। तो पहले तो मैं ट्राईपॉड पे लगा लूँ इसको, और फिर मैं एक दो काम जो है फ्री कर लूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपना दूध गर्म करना है, तो दूध को बॉयल होने के लिए रख दूँ मैं। क्योंकि वो वाला सूट है ना मुझे थोड़ा सा काटता है वो, तो मैंने चेंज कर लिया, और
बस दूध आने वाला है, दूध पे ध्यान रखना है, नहीं तो इंडक्शन पर दूध है ना तुरंत निकल जाता है, तो बस आने ही वाला है और मेरा ध्यान इधर है क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी वो वाला खेल हो जाता है, तो बहुत जल्दी आने वाला है, जल्दी जल्दी तो ये तो हो गया गरम का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब दूध अलग अलग कैसा है, एक ही बर्तन में क्यों नहीं है, तो आपको बता देती हूँ कि एक दूध जो है गाय का है और एक दूध जो है भैंस का है, इसलिए दोनों का अलग अलग रखा जाता है, एक बच्चों के लिए आता है और एक हमारे लिए। क्या पानी लेकर आऊँ? ला रही हूँ, रुको, ठंडा वाला। इनको दे दिए थे मैंने दाल चावल, तो ये खा रहे थे दाल चावल। दूध रखा है मेरा इंडक्शन, तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि जल्दी गर्म हो जाता है। ये बैठे हैं, आज इनको मैंने खाना नहीं दिया, बनियान पहन के बैठे हैं। पेट भरेगा कि नहीं? आजकल मेरे से है ना गोरे निकले आए घर पर रह के, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये, वैसे रियल में मेरे से गोरे हैं पर मैं मानती नहीं हूँ, पर मुझे अब मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि ये घर में रह रह के गोरे हो गए हैं। अभी इनको 2 दिन ही हुए छुट्टी दिए और 2 दिन मैं बहुत गोरा हूँ। चल जो चाइनीज मॉडल है ये तो अभी ये कहीं भी नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं ऑल टाइम। और ये बेड है ना, इन्होंने ये बेड मतलब इसी पे डले रहते हैं दिन भर। और मैं बोलती हूँ ना कि तुम कितना सोते हो, तो पता है ऑल टाइम क्या कहते हैं कि मैंने सोने के लिए ही तो छुट्टी ले रखी है और मुझे कुछ काम तो है नहीं, मैंने तो सोने के लिए ही छुट्टी ली है। और क्या, तुम्हारे थाने तक पहुँच जाएगी ये बात, सोने के लिए छुट्टी ली है। हमारी मम्मा सोती है और खाना खाती है, खाना परोसती है। खाना मीडिया का पेपर है, सुबह पीडीएफ बनाना है। तो मेरा दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म, दूध गर्म हो रहा है किचन में, दूध अभी थोड़ी देर बाद लूंगा। हाँ ले लेना, अभी तो गर्म कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर घूमने चले गए तो लेट हो गया, 2-3 घंटे घूमे आए, मुझे दूध नहीं निकल रहा है किचन में, थोड़ा सा डर लग रहा है। और इतने सारे बर्तन हो गए जो कि मैं क्लीन करके सोऊंगी, तो ये बर्तन मुझे ही क्लीन करने हैं, बस दूध और गर्म होने वाला है। मुझे डर लग रहा था अंदर, मैंने कहा कहीं शायद निकल नहीं जाए, क्योंकि इंडक्शन पे है ना फुर से निकल जाता है इसलिए। और अगर गाइस आप दूध को छोड़कर गए तो सच में आप बहुत पछताओगे, क्योंकि पूरा दूध है ना सुर निकल जाता है, तो आप जब भी दूध गर्म करें ना तो बिल्कुल खड़े रहें। और हमारी मम्मी पता है क्या करती है, अक्सर वो दूध गर्म करती है ना तो अक्सर वो दूध निकालती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना खड़े होकर करती हूँ, मेरी नज़र रहती है, लेकिन मम्मी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मम्मी बिल्कुल निकाल देती हैं। जब मैं सुबह सोकर जाती हूँ ना तो मुझे खुशबू आ जाती है कि दूध निकल गया, क्योंकि मम्मी पहले ही गर्म कर देती है। और बस यही था आज का मेरा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़। ओह ये मेरा बेटा है, आप इससे मिल लो, और ये मेरा अच्छा बच्चा है ना, बाय बाय बोल दो, चलो बाय बाय, बाय गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट, सब्सक्राइब कर लेना जो नए पर्सन हो, तो वीडियो को तो लाइक ही कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पता पड़ जाता है कि आपको अच्छा लगा, लाइक कर देना। अच्छा बाय बोल दो, बाय, अच्छी वीडियो बनाना। चलो बस मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, कल मैं आप तक भेज दूंगी, कल भेज देना, तो आपको जो डेली ब्लॉग देना है, आजकल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें और हमारे अच्छी वीडियो आएगी तो हमारा चैनल अच्छा चलेगा। बाय बाय।